स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है भारतीय इतिहास और उसका भी है ये मॉडर्न हिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 110 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए थे, 109 तक। ये एक्सरसाइज है ब्रिटिश शासक का विस्तार, राइट। तो आज हम 110 प्रश्न से देखेंगे। ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी पार्ट देख लेना आप। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। यही कारण था। आंसर क्या है यहाँ पे? ए। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुंगेर राजधानी किसने बनाया, तो किसने बनाया था वो? मीर कासिम ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, हमारे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना भी देते हैं। ये भी कहा गया था मीर कासिम के द्वारा। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को ख़त्म कर दिया था, मीन्स टैक्स को ख़त्म कर दिया था? ये भी किया गया था मीर कासिम के द्वारा। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 12 अगस्त 1765 में हुआ था, के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, आंसर डी है। पहला है यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय को कारा व इलाहाबाद का जिला दे दिया गया। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। ये 26 लाख जो होगा कंपनी दिया था शाह आलम द्वितीय को। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। ये तीनों यहाँ पे क्या था? सही था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो 16 अगस्त 1765 में हुआ, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था सुजाउदुल्ला और क्लाइव के बीच, लॉर्ड क्लाइव। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? गधा या संज्ञा कहा गया था मीर जाफर के द्वारा। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ये किया गया था मुबारक कोदुल्ला को। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, ये भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था, इसके पहले जो जस्टिस थे वो कौन थे? उनका नाम था एजिला इम्पे, याद रखिएगा। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। उसने वह किसके लिए प्रयोग किया है? इसमें मीन्स वह एक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो मीर जाफर के लिए प्रयोग हुआ है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? यह स्थापित किया गया हैदर अली के द्वारा। किसने घोषणा कर रखा था कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाल्ट से निकाल बाहर करेगा और फिर अंततः भारत से भी उसे वो निकालेगा? ये कहा गया था हैदर अली के द्वारा। अब यहाँ पे युद्ध और संधि दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। इस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक। यह है मद्रास की संधि से संबंधित। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, यह था मंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 82, यह था श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसे कर्नाटक संधि भी कहा जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो यहाँ पे आंसर क्या था? ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे युद्ध दिया गया है और फिर इसे सुमेलित करना है, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, उस टाइम में थे जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वो थे जनरल स्टुअर्ट।
हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई, वो किस युद्ध के दौरान हुआ था? इसकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद कराने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि, जो 1784 में हुआ था, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला गवर्नर कौन था? मतलब 1784 में गवर्नर कौन था? अगर आपको ये पता होगा तो आसानी से टिक कर लोगे, लॉर्ड मैकेडी ने, लॉर्ड मैकेडी ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय के समय था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत इन सब में से कौन सा कथन सही है, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, इसको पढ़ लेते हैं। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, और अपने 2 बेटे को बंध स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या था? सी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फिर से रिपीट करते हैं इसको। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को, मीन्स टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए, मीन्स टीपू सुल्तान किस किस से समझौता किया था? यह किया गया था फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, सबके साथ टीपू सुल्तान ने समझौता किया। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो पहला कथन दिया गया है यहाँ पे, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, ये सही है। यहाँ पे चारों सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत की, टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने बनाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये तीनों इंपॉर्टेंट है वैसे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ कि सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोविन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष मीन्स ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, और अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू विहित करने लगा, मीन्स उस नाम से संबोधित करने लगा। आंसर यहाँ पे क्या था? डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल था? यहाँ पे थे ट्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। अब है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार करें, मीन्स कौन कौन सा इसमें सही है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ये सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रांतों पर अंग्रेज राज में विलय हो गया, ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, बोडेयार वंश के एक बालक कृष्ण द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, ये भी सही है। आंसर क्या था यहाँ पे? डी, सभी सही थे। किसने कहा था, मैं अंग्रेज के अस्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान के द्वारा कहा गया था, टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ये कहा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे चारों सही हैं। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनके जन्म स्थल तलवंडी या नानकाना पाकिस्तान में था, बिल्कुल सही है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नानकाना पाकिस्तान में जो है काफ़ी फेमस है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगद देव का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्हें अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरि मंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर से जाना जाता है, की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद पर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीति मामलों में रुचि दिखाई। ये चारों यहाँ पे सही है, आपके लिए कुछ कुछ इंपोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि
गुरु नानक देव जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, नानकाना में जो पाकिस्तान में है। दूसरा यहाँ पे था जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। और जो कौन थे पांचवे तीर्थकर, इनको नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख में दन दनसासा धार्मिक कर वसूल कर आरंभ किया तथा साधु भेष त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना शुरू किया, ये शुरू किया गया था अर्जुन देव, क्योंकि इन्होंने ही राजनीति में मीन्स रुचि दिखाई। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सा उद्देश्य लाया, इनका था धोखेबाजी का, धोखेबाजी का सबका अपना था। लॉर्ड डलहौजी का क्या था, फूट डालो और शासन करो, तो ऐसा ही धोखाधड़ी का इनका था, वेलेस्ली का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यहाँ भी चारों कथन सही हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, डी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापना की, अमृतसर के किलेबंदी की एक सिखों को लड़ाकू बनाया। फिर से इसको रिपीट करते हैं, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त ये स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसका स्थापना किया, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, लड़ने के लिए उसको तैयार किया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय में काश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुई, काश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था और उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया। आंसर क्या है यहाँ पे, डी, सभी सही थे। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सर्रे नादाद मीन्स मेरे सिर कटवा दिए लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, ये सिख थे तेग बहादुर, तेग बहादुर। किस सिख गुरु ने बाकला द बाबा मीन्स बाकला द बाबा कहा था, बाकला द बाबा किनके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था तेग बहादुर के द्वारा, तेग बहादुर। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का संबंध में कौन सा कथन सही है। आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में कौन कौन सा कथन सही है। इन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताया, बिल्कुल सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, ये जितने भी कथन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खालसा का आदेश किनके द्वारा मीन्स किनके द्वारा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यहाँ पे ये तीनों सही है। एक और कथन है, ये भी सही है। उन्होंने पहलू प्रथा मीन्स जाति संबंध तोड़ने हेतु एक ही कटोरे के सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया, आंसर यहाँ पे क्या था, डी। नेक्स्ट है आपका, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी है, तो दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये चारों सही है, आंसर क्या है, डी। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत मीन्स मजबूत किला बनाया था, लोहगढ़ का किला किनके द्वारा बनाया गया था, ये थे बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के कहने पर। सैनिक संगठन खालसा दल का स्थापना किसने किया था, अभी हम पढ़े थे, खालसा दल का स्थापना किया गया था कपूर सिंह के द्वारा, कपूर सिंह के द्वारा, आंसर क्या है, बी। और खालसा आदेश किनके द्वारा दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सैनिक संगठन खालसा दल का स्थापना अभी पढ़े, कपूर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित मीन्स जिनको उन्होंने जीत हासिल किया उसका काल अनुक्रम से जो युद्ध पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर काश्मीर, सबसे पहले लाहौर और सबसे लास्ट में
काश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि लाहौर विजय के बाद धारण किया। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजजा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी उन्हें अमृतसर विजय अभियान के दौरान। और तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुगल बादशाह बाबर ने किया था। रणजीत सिंह ने किस मिस्ल के लाहौर, पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी लाहौर, एवं अमृतसर, पंजाब की धार्मिक राजधानी छीना, ये किनके द्वारा, या ये किन से, फिर से रिपीट करते हैं इसको। रणजीत सिंह ने किस मिल्स से, मीन्स किस से उन्होंने ये पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर को छीन लिया था? ये छीना था भंगी से। भंगी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी कौन सी थी या फिर अमृतसर के बारे में, तो आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिस उस टाइम में मिली गवर्नर कौन था, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में, लॉर्ड मिंटो था उस टाइम में। रोपड़ की संधि हुआ था 1831 में, विलियम बेंटिंक। और त्रिपक्षीय संधि हुआ था 1836 में, लॉर्ड एकलैंड और शाह सुजा के बीच हुआ था। इंग्लैंड, सॉरी, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? ये किया गया था सतलज नदी, सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषता सैन्य प्रशासन के विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया था, जिसमें शामिल था, जिसमें कौन कौन शामिल था, जिसमें था बंतुरा, अलार्ड, कोल्ट एवं गार्डनर और एविटेबल, ये चारों था। तो आंसर यहाँ पे क्या था? डी। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? उस टाइम में पंजाब का शासक था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। यहाँ पे सूची वन, सूची टू सम्मिलित करना है। कौन सी संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी 1846, भैरोवाल की संधि 1846, पंजाब व अंग्रेजी में विलय, पंजाब का अंग्रेजों में विलय, ये हुआ था 1849 में। आंसर यहाँ पे बी था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था? सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 में। उस टाइम में गवर्नर कौन था? गवर्नर था लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। सिंध विलय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार लगाना है आपको, मीन सबसे पहले कौन राज्य ने बेलेजली का संधि, सहायक संधि स्वीकार किया था। ये स्वीकार करने वालों में से जो सबसे पहला था वो था हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजोर, अवध, पूना का पेशवा। आंसर यहाँ पे यही है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति तक पहुंचा दिया? ये कहा गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी थी? ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स, अस्थाई बंदोबस्ती का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या उसके आविष्कारक कौन थे? सहायक संधि, डुप्ले, लॉर्ड डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। यहाँ पे फिर सुमेलित करना है आपको, मीन्स कौन सा ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा क्या काम किया गया था, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध उस टाइम में थे लॉर्ड एमेस्टर, ठगों का दमन विलियम बेंटिंक, मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव, ये विलियम बेंटिंक के टाइम में आया था लॉर्ड मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव। सूची वन और सूची टू ये किसके टाइम में स्टार्ट किया गया था, फिर यही दिया गया है। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था, ये था लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा। लॉर्ड
मेटकॉफ के द्वारा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था लॉर्ड एकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। इन्हीं के समय में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुआ था 1911 या 1912 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जब्दी का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल अनुक्रम सजाना है आपको। यहाँ पे सतारा, संभलपुर एवं जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक लाइन से था यहाँ पे। आंसर क्या है यहाँ पे? ए। नेक्स्ट यहाँ पे घटना दिया गया है और ये अवधि मीन्स किस टाइम में हुआ था ये आपको सुमेलित करना है, मीन्स कौन सा घटना कब हुआ था। तो सुगोली की संधि ये हुआ था 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 के मध्य। नेक्स्ट है, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। आंसर क्या है यहाँ पे? बी। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और वहाँ का कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। आंसर क्या है यहाँ पे? दो। पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने राजधानी कहाँ बनाई थी? ये पढ़ा गया प्रश्न था, लाहौर में। लाहौर में पंजाब की राजधानी रंजीत सिंह ने बनाया था। आंसर है बी। टोटल 166 प्रश्न थे, 3 वीडियो के माध्यम से आपका ये कवर हुआ। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।